आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नेट डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मैंने ब्लू कलर का कपड़ा लिया है डिजाइन के लिए, प्लेन है देखिए, और देखिए ये हमारा ब्लाउज है, हमने ब्लाउज कट कर लिया है। मैं आपको ब्लाउज की साइज बताती हूँ। देखिए ब्लाउज की जो लंबाई हमने 14 इंच ली है, तैयार में ही 13.5 इंच आएगा। देखिए हम 32 साइज का बना रहे हैं, डबल फोल्ड मैंने 8 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर में 6 इंच लिए, मुंडी में 6 इंच लिए और इसमें 1.5 इंच की गुलाई ली है। देखिए पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे, फिर ब्लाउज पे, तो ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं। शोल्डर से 3 इंच में निशान लगा लेते हैं, इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 10 इंच लेंगे, इस तरह की लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका हम बॉक्स बना लेते हैं। देखिए इस तरह बॉक्स बना लिया, इसमें हम राउंड शेप देंगे। सेम कॉपी से कट करेंगे, देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया। देखिए नीचे मैंने ब्लाउज की तरह लिया, इसको हम बाइंडिंग रखेंगे इस तरह, और फिर पूरे नेक पे हम सिलाई लगा देंगे और नीचे में हम सिलाई लगा देंगे स्टेप, फिर हम इसे पलटेंगे। देखिए हमने ब्लू कलर का प्लेन कपड़ा लिया है, इस तरह हम सेम बॉक्स से कट करेंगे। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं 4 कट करूंगी डबल डबल में इस तरह। देखिए इस तरह मैंने डबल फोल्ड पे 8 पट्टियां कट कर ली है, देख सकते हैं। देखिए सेम बफर के मैंने कैनवास भी कट किए, देखिए इस तरह 4 कैनवास हमने कट किए इसकी। इस तरह पर यहाँ से लेके इस तरह यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से हम पलटेंगे। देखिए इस तरह हम इसे सीधा रखेंगे, इसके ऊपर एक बार रखेंगे इस तरह, इसके ऊपर कैनवास रखेंगे और देखिए इस तरह हम सिलाई लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह पूरे में सिलाई लगा दी, अब हम बीच बीच में कट दे देंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में कट दे दिया, अब जहां से हमने खुला छोड़ा था इस तरह पलटेंगे। देखिए इस तरह अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे कि जहां हमारा खुला था इस तरह हम अंदर फिनिशिंग दे देंगे इसके। इस तरह मैंने तैयार कर लिया, इसी तरह मैं और 3 तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने 4 तैयार कर लिए, देखिए इन दोनों को हम इस तरह रखेंगे उल्टा, और देखिए इसके लिए मैंने ब्लू कलर का धागा लिया है। देखिए इस तरह हम टांके लगा देंगे इसमें। देखिए इस तरह हमने
मैंने 1 इंच तक ही लगाया है। दूसरा रखेंगे देखिए इस तरह, इसमें भी इसी तरह टाके लगाएंगे। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं यहाँ पर भी सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने चारों सिलाई लगा दी, देखिए चारों में देख सकते हैं इस तरह। देखिए नीचे मैंने ब्लाउज रख लिया सीधा, इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और इस तरह पूरा नेक में पिन से सेट कर लेंगे इसको। देखिए इस तरह मैंने पूरे में पिन से सेट कर लिया, अब हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी, इस तरह मैं नीचे में सिलाई लगाऊंगी स्ट्रेट। देखिए मैं नीचे भी सिलाई लगा दी, अब जो हमारा नेक है हम कट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया, और देखिए जो हमारा साइड से खुला हुआ है इस तरह हम इसे पलटेंगे यहाँ से। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह में पलट लिया है, देख सकते हैं नीचे भी। देखिए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए मैं नेक पे सिलाई लगा दी और नीचे भी सिलाई लगा दी, जी फिनिशिंग दे दिए। देखिए इस तरह जो मैं तैयार किया था इसे हम इस तरह रखेंगे और नीचे इस तरह दबा देंगे। सेम इस तरह ऊपर भी पिन से सेट कर लेते पूरा। देखिए इस तरह मैंने चारों कोने पे पिन से सेट कर लिया और मैं एक गोल्डन कलर की लेस लिया, इस तरह पूरे नेक पे लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में लेस लगा दी, देख सकते हैं सिलाई भी लगा दी हमारे। देखिए यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हम एक बटन भी लगा दिया, देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। देखिए नीचे मैं फिनिशिंग दे दी, प्लेट भी डाल दी दोनों, देखिए और देखिए लेस भी लगा दी, और देखिए बीच में लेस लगा दी, एक बटन लगा दिया। देखिए देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से सुंदर से डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज